चार्ज भी कर रही हूँ और साथ में ये प्यारा सा मोम। देखिए मेरी गाड़ी कितनी गंदी है, अभी इसको अच्छे से निलाएंगे। और इतनी गंदी हो गई कि रास्ते पे चलाने की इतना गंदा लगता है, तो मेरी गाड़ी बहुत सोने का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा छनते। स्कूटी तो वॉश हो गई है, अब हम चलते हैं सीधा मीरा रोड में आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। और गर्मी है गाइस, केक मौसम्बी का जूस तो बनता है। गाइस बहुत जोर से भूख लगी है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मीरा रोड में ना, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी जी थे ना, वहाँ उनका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल्स के शॉप है, तो वहाँ पे चलते हैं। हम लोग कुसुम रोल है इसका नाम, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे, मैं आपको लेके चलती हूँ। बहुत जोर से भूख लगी तो एक वेज कुसुम रोल खाते हैं और आपको उनका शॉप भी दिखाते हैं। डॉक्टर आदि जो तारक मेहता के शो में थे, फिलहाल ये मीरा रोड में बहुत बड़े यहाँ का बहुत फेमस है, कुसुम रोल हर जगह है लेकिन हमारे मीरा रोड में भी है। तो फिर रोल अभी खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इतना बड़ा रोल है कि पता नहीं एक में ही पेट भर जाता है, एक रोल में दो लोग खा सकते हैं। फिलहाल अभी मैं खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ही फेमस रोल है, तो खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और आप लोगों को बहुत कुछ मुझे दिखाना है। तो फिर फाइनली मैंने वीडियो एंड नहीं किया था क्योंकि मुझे सुबह कहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी लेके चले। जहाँ पे मैं लेके चली हूँ वहाँ पर बहुत ही सुकून, सुबह का जो व्यू है ना बहुत ही मज़ेदार है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना दिखाया जाए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और हम लोग चलते हैं आपसे सीधा, कहाँ पर मिलना है उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर एक सुकून मिलता है, आप लोगों को भी एक सुकून सा प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा। बहुत बोरिंग हो रहेगा उस टाइम में, बट उस टाइम बचा हुआ है जो हम अपने जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे सिर्फ 10 मिनट। इतनी जोर से वॉशरूम आई थी कि कुछ समझ में नहीं आता, मुश्किल से 1 घंटे बाद वॉशरूम मिला। और अभी सुबह के बज रहे, देखिए 7:04 हो रहा है, तो मतलब इतना मुश्किल है वॉशरूम, गर्ल्स वॉशरूम बहुत प्रॉब्लम है। तो फाइनली अब हम अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे। थैंक यू गाइस, कहीं भी वॉशरूम लगे तो प्लीज़ आप वॉशरूम कहीं भी जा सकते हो। जैसे मुझे 7 बजे बहुत मुश्किल से एक शॉप ओपन हुआ, मैं वहाँ पे वॉशरूम जा के आई फाइनली। हमारा मरीन ड्राइव हम आ चुके हैं, लेकिन जो हमने सोचा था कि हम यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे, पर ऐसा माहौल चला गया, हमें लेट हो गया, इसलिए हम आगे कहीं और जाने का प्लान कर चुके हैं। थैंक यू।
मेरे साथ प्रैंक हो गया है। आप शॉर्ट वीडियो में तो ब्लॉगिंग शॉर्ट वीडियो में वीडियो देखोगे ही आप। लेकिन एक बच्चा आया, उसने हमें उसने मुझे फूल दिया, उसने बोला दीदी ले लो। अब मैंने सोचा कि सुबह सुबह ले ही लेते हैं, क्या ही अच्छी ब्लॉगिंग शूट हो जाएगी, अच्छे रील शूट कर लेंगे। अब मेरे पास 70 रुपये थे और मैंने उसे ध्यान नहीं दिया, मैंने उसे पैसे दे दिए और उस बंदे ने क्या चलाकी की, उसने साथ मेरे साथ वीडियो शूट किया। वीडियो शूट करने के बाद वो पैसे लेके भाग गया और उसने बताया नहीं, बार बोलते कि दी और दो ले लो, मुझे लगा फ्री में देके गया, उसने वीडियो बनाया। लेकिन वो बंदा ही, उसमें 70 रुपये थे और वो लेके भाग गया, बोलता है दो फूल और ले लो और मुझे पोपट बना के भाग गया। अगर वो बंदा दिखेगा ना मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, लेकिन उसने वीडियो अच्छा शूट किया तो कोई नहीं, छोटा सा था बेचारा, भलाई करना क्या ही हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और जोर से भूख लगी तो पहले कुछ खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गए और हमने वहाँ पे वीडियो बना लिए, अब इतना भूख लगा था। लेकिन सबसे पहले हम नारियल पानी की शुरुआत करेंगे, नारियल पानी पीने के बाद देखते हैं इस मार्केट में क्या अच्छा मिलता है, फिर खाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। पहली बार नारियल पानी के लिए देखते लाइन लगी हुई है और सबसे पीछे मैं खड़ी हूँ, देखते कब मिलता है नारियल पानी। फाइनली 10वें नंबर पे मेरी लाइन आ गई है और नारियल, यहाँ का नारियल पानी देखिए कितना प्यारा है। हम खाएंगे सैंडविच। अकेले घूमने का जो मज़ा है ना फ्रेंड्स, बाकी किसी के साथ है नहीं, इसलिए सबसे पहले नारियल पानी पिया, अब हम खाएंगे सैंडविच। बहुत जोर से भूख लगी है, क्या ही खाएं अभी समझ में नहीं आ रहा है, सोचा था वड़ा पाव खाएंगे लेकिन देखो मैं वड़ा पाव बन चुकी हूँ, इसलिए हम सैंडविच खाएंगे। और आपसे गाइस अपना सैंडविच आ गया ही, बहुत गर्म अच्छा है। सेव पूरी खा लिया, नारियल पानी खा लिया, सैंडविच खा लिया, अब बन मस्का पे इतना देख के इतना फील हुआ कि इसको भी खाया जाए चाय के साथ डीप करके, बहुत अच्छा है। अब खा लेते फटाफट, फिर मिलते आपसे। बहुत ज़्यादा होगा लेकिन अभी क्या करें, कुछ नया करने के लिए कुछ तो थोड़े पैसे वेस्ट करने होते हैं। चलिए गाइस जो खाने कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना, मैं तो खाऊंगी काला खट्टा, चलिए बनाइए दादा। Call like 0 degrees. I'm
I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the wake up, get out the sheets. We came for war, man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the इसलिए हम अभी खाएंगे इडली और चटनी. पूरे दिन बस खा रहे हैं, घूम रहे हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं. और अभी यहाँ पे मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, मोबाइल भी चार्ज करना था, मोबाइल चार्ज भी करियो और साथ में ये प्यारा सा मोमोज. इसको खाने के बाद ही मिलती हूँ, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है. लोगों से मिलती हूँ. तो फिर आज हम फिर में चलने में हम पूरे दिन वेस्ट कर दिए, बहुत सारी चीज़ें शूट किए. लेकिन हम इतना चले, बहुत लोगों के फ्लैट, अमिताभ बच्चन सर, बहुत लोगों के घर भी देखे, लेकिन हमें इतना भूख लगे जा रहा है. सुबह से हम सिर्फ खाए जा रहे हैं. अभी हम फ्राइड राइस खाएंगे और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है. तो बनते हैं, फिर देखते स्वाद उसका कैसा है. जुहू चौपाटी में हूँ और यहाँ का बालाजी रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा यहाँ पे बन. आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताना. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ऐसे ही कुछ नया और आप लोगों को देखना है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए. एटलीस्ट 1 मिलियन व्यूज़ करवा दीजिए प्लीज़.